अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल। टुडे वी स्टार्ट हेयर एक्सरसाइज नंबर 4.4। इन लास्ट लेक्चर वी अप्लाई हेयर 4.3 एंड इंशाल्लाह दिस एक्सरसाइज विल बी कम्प्लीट इन योर नोटबुक। हमारा टॉपिक है आज नंबर वन क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट, द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें यहाँ पर जो इंटीजर्स दिए गए उनके दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन साइन मौजूद है। इसको फॉलो करने के लिए, इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है बेटा। हम यहाँ पे इसको रफ वर्क के साथ अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट हम इसको यूज़ करते जाएंगे। क्वेश्चन है प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं क्योंकि हम यूजली करते हुए आ रहे हैं। प्लस माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई में जो साइन हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो आ रहा होता है हम वही लिखते हैं, ठीक है। 15 फोर ज़ा 60। और अब इसको रीचेक करने के लिए हम यहाँ रफ वर्क फॉलो करेंगे। 4 5 ज़ा 20 कैरी हम देंगे, 4 1 ज़ा 4 2 प्लस करेंगे 60। और ये हमारे पास आंसर मैच कर रहा है जबकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ये हमारे पास कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास सेकंड हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, मैं थर्ड क्वेश्चन अप्लाई कर रही हूँ। माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 25। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। 16 एंड 25 हमारे पास बिग अमाउंट ऑफ टेबल है। अब यहाँ माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 25 हो रहा है। अब यहाँ अप्लाई करेंगे 25 और 16 को मल्टीप्लिकेशन के तौर पे। अब जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ 16 5 ज़ा, अब आप देख सकते हो 16 5 ज़ा 80। फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 16 2 ज़ा 32। 32 में जब यहाँ में मैं 8 प्लस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया और आंसर मेरे पास आ जाएगा 400। जी बेटा, हमने यहाँ पे अप्लाई किया है क्वेश्चन नंबर 1 और 3। अच्छा, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपके पास हैं 2 4 5 6, दे आर होमवर्क, ठीक है बेटा। ये इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप अर्ली क्लासेस से करते हुए आ रहे हो, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज़ प्रेजेंट इन डिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन इज़ द आंसर ऑफ योर डिवीजन फॉर्म। अब यहाँ हमारे पास कहा जा रहा है कि अपना क्वेश्चन फाइंड आउट करें। इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे प्लस 25 डिवाइडेड बाय माइनस 5। इसको हम फॉलो किस तरह से करेंगे बेटे, हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है प्लस 25 डिवाइडेड बाय माइनस 5। हम इसको किस तरह से करेंगे, आप नोटिस करो यहाँ पे भी प्लस है या माइनस है, दो डिफरेंट साइन मिलकर हमेशा माइनस साइन बनाते हैं। प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 5 दिस इज़ 5। अब हम इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पे, हम डायरेक्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं 5 5 ज़ा 25, देयर इज़ नो रिमाइंडर, दिस इज़ क्वेश्चन, ठीक। यहाँ हमारे पास माइनस 5 हमारा आंसर आ गया है, यानी दो अपोजिट साइन जब आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो साइन हमारा नेगेटिव ही आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, माइनस 35 डिवाइडेड बाय माइनस 7, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास फिर हम देख रहे हैं माइनस, दो सेम साइन नज़र आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 डिवाइड करेगा 35 को, यू नो वेरी वेल 7 5 ज़ा 35। आंसर इज़ पॉजिटिव 5, दैट मीन्स क्वेश्चन इज़ 5। हम अप्लाई किया है क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड बेटा, हमने अपनी यहाँ पे लेक्चर में अप्लाई किया है, मैंने इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क दिए हैं। फर्स्ट सेकंड हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स बेटा आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ सो सिंपल एंड ईजी, ये आप उन्हें खुद करना है, परफॉर्म योर सेल्फ एज योर होमवर्क, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।